दोस्तों ये है वंस मोर और एक करेला का पत्ता है। करेला का पत्ता, करेला का पत्ता देखिए दोस्तों, ये है करेला का पत्ता। हमने अभी अभी तोड़ के लाए थे, अभी इसको ऐसा काटा गया है। काटने के बाद उसमें प्याज भी देने वाला है, प्याज थोड़ा लहसुन और हरी मिर्ची। कहाँ गौरव नीचे है, ये है हरी मिर्ची। ये पत्ता तीन देव होता है ना क्या? देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका टर्मरिक पाउडर डाल दिया, ऑनियंस डाल दिया है, और ये दोस्तों चावल का आटा का पैटर्न जो कि हमने एक बनाया था उसका बचा हुआ। इसमें आपका रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट और राइस पाउडर जो कि चावल का आटा है। देखिए इसमें थोड़ा हमने लहसुन जो कि गार्लिक भी ऐड किया है, चावल का आटा। और दोस्तों एक करेला का पत्ता है, और इसमें थोड़ा और भी कुछ होना चाहिए, चावल का आटा, थोड़ा सॉल्ट, उसमें सॉल्ट था ज़्यादा नहीं, कम डालो। अब इसका भी हम बनाएंगे पकोड़ा या बड़ा, जो भी कहे आप। बारिश का मौसम है दोस्तों, सुबह सुबह गर्मा गर्म खाना खाने में बहुत मज़ा लगता है। देखिए अभी उसे पत्ता दिखाई दे, थोड़ा इसमें चावल का, सूखा चावल का आटा को ऐड कर लेंगे फिर से। देखिए ये जो चावल का आटा हमने थोड़ा ऐड कर दिया है, अभी इसको अच्छा से मैश कर देंगे। मैश करने के बाद थोड़ा पानी दो, इसको अच्छे से थोड़ा हाथ से ही मैश कर लेंगे। और इसमें थोड़ा पानी की कमी है दोस्तों, पानी डाल देंगे थोड़ा। करेला पत्ता का बड़ा जो कि खाएंगे सुबह सुबह। देखिए हमने अच्छे से पूरा मैश कर लिया है, अब हम ज़्यादा मोटा नहीं है, ज़्यादा पतला करके देंगे थोड़ा। और राउंड राउंड का जो कि शेप बना लेंगे। हमारा जो तवा है थोड़ा छोटा हो चुका है दोस्तों, तीन ही गया है। अगर बड़ा तवा होता तो उसमें चार पांच जाते थे, क्या करें। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए एक तरफ हो चुका है, और इसको थोड़ा पलट देंगे, इसको थोड़ा जरा लेफ्ट में हटा हुआ। थोड़ा बाजू में रखो, दो डाल दो। देखिए देखिए दोस्तों, ये हमारा करेला के पत्ते का बड़ा है। अच्छा लगे दोस्तों एक लाइक से कमेंट, और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइबर्स जरूर करें। और ये गर्मा गर्मा ही खाना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा रहेगा दोस्तों, थोड़ा टेस्टी है मगर थोड़ा कड़वा है। गर्मा गर्म राइस से ही गर्मा गर्म खाना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।